नहीं, बिकॉज सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इन अवर अर्थ। जो सन है उसी के अकॉर्डिंग सारे उसी की लाइट से ही हम सारी चीजों को जो है चीजें वो दिखाई देती हैं। वी कैन सी सन इन अ डे ड्यूरिंग द डे और द मून एंड द स्टार वी कैन सी इन द नाइट। स्टार्ट फ्रॉम सन, द सन इज वेरी बिग एंड हॉट और ब्राइट। जो सन होता है बहुत ही गर्म और चमकीला सा दिखाई देता है ड्यूरिंग द डे। इट गिव अस लाइट, ये हमको क्या देता है लाइट। एंड इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि हमसे दूर लेगी। दिस इज अ स्टार नॉट अ प्लैनेट, ये क्या है सन इज अ स्टार, हम इसको स्टार बोलेंगे बिग स्टार। वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, इसको हम देख सकते हैं भाई थोड़ा नजदीक होता है हमारी अर्थ से। और विदाउट सन देयर इज नो लाइफ, सन गिव द सनलाइट टू द प्लांट्स फॉर इट इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है सनलाइट। विदाउट सनलाइट हम अपनी अर्थ पर ग्रो या सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर चारों तरफ अंधेरा होगा तो हम उसमें क्या करेगा, सन नहीं होता तो हम सारी चीजों को देख पाते नहीं। प्लांट अपना प्लांट क्या करते हैं, सन की सनलाइट से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए अगर सर प्लांट अपने ग्रो नहीं होगी तो एनिमल हम कैसे अपना फूड क्रिएट करेंगे। इसलिए सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस प्लांट और एनिमल्स। Day and night means shadow. When in the day, moon में जो ऐसे सब जैसे कोई things है जो उस पर sunlight पड़ती है तो उसकी एक ब्लैक शेडो सी आपको दिखाई परछाई दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं शैडो बोलते हैं। जब सनलाइट किसी चीज पे पड़ती है फॉल्स होती है तो उसकी एक शैडो काला सा एक आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट में होती है उसकी क्या शैडो। जो शैडो होती है इवनिंग में मॉर्निंग में बड़ी बनेगी, ठीक है जैसे मून होगा दोपहर तब वो छोटी हो जाती है एंड फिर अगेन इवनिंग में फिर वो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो है इवनिंग में क्या होगी बड़ी दिखाई देगी, मॉर्निंग में कैसे होगी बिग एंड मून में क्या होगी स्मॉल शैडो और फिर इवनिंग में कैसे हो जाएगी बिग। शैडो कैसे बनती है, जब सनलाइट किसी चीज पे फॉल्स होती है उसकी अपोजिट साइड पे जो चीज से आप है आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देता है कुछ से तो वो आपकी क्या होती है शैडो, लेकिन वो कहाँ बनती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, जैसे आप बस स्ट्रेट खड़े हो आपकी बैक साइड पे आपकी शैडो फॉल्स होती है बनती है दिखाई देती है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट कैसे होती है, डे और नाइट वेन सन अपीयर फ्रॉम द ईस्ट, जब सन राइज होता है तो वो कहां से होता है ईस्ट से, तो क्या स्टार्ट होता है डे बिगिन तो दिन स्टार्ट हो जाता है। देन जब सन सेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे नाइट, तो ब्लैक डार्क डार्कनेस हो जाती है नाइट हो जाती है तो बोलेंगे उसको नाइट। कहां सेट होता है वो वेस्ट में, इसी से क्या होते हैं डे एंड नाइट अगर होते हैं। लेकिन आप क्या आपने सन को आपको लगता है सन मूव करता है, सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते कभी आपके सिर पर आ जाता है, देखा है ना आपने तो मून में और कभी ईस्ट में चले जाते कभी वेस्ट में, तो क्या सन मूव करता है नहीं अर्थ मूव करती है, क्या करती है अर्थ मूव होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मून एट नाइट वी सी मून इन द स्काई राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इट इज माइल्ड लाइट एट नाइट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती है, मून मतलब अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट सन की लाइट से शाइन करता है एंड इट इज स्मॉलर देन द
ये स्मॉल होता है जिससे हमारे सन से मून चेंज इट्स से जब मून हाथ से भी आधा होता है इसको बोलते हैं क्रिसेंट, क्या होते हैं क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून, जब हाफ मून होगा इसको बोलेंगे क्या हाफ मून, और फुल मून होता है क्या फुल मून डे इसको क्या बोलते हैं पूर्णिमा, क्या बोलेंगे इसको फुल मून डे पूर्णिमा। अब देयर इज नो मून इन द स्काई, जब आपने देखो कभी आपको मून नहीं दिखाई देगा नाइट में तो उसको क्या बोलेंगे अमावस्या, क्या बोलते हैं अमावस्या, जो आपको मून आपको स्काई में दिखाई नहीं देगा उसको क्या बोलते हैं अमावस्या, जिस दिन आपको मून दिखाई नहीं देता है। द फर्स्ट पर्सन हु सेट अप द इट्स फुट ऑन द मून इज वाज नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग थे जिन्होंने सबसे पहले मून पर पहले अपना कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट वन इज द स्टार, स्टार वेरी बिग, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दे अर्थ से बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें ट्विंकल देखते चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और वेरी हॉट होते हैं। वी ऑल्सो सी द स्टार ट्विंकल इन द नाइट, स्टार आर वेरी बिग बट दे लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, द स्टार ऑल्सो हैव देयर ओन लाइट, स्टार आर मैनी इन नंबर वी कैन नॉट काउंट इट, कैन यू काउंट द स्टार, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि नाइट में जब स्टार हो तो आप काउंट कर सकते हैं, नो, क्योंकि दे आर बिग नंबर है इन बिग, जो स्टार होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं इसलिए उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट लव रीड दिस चैप्टर एंड लर्न अबाउट द सन डे एंड नाइट एंड द मून द स्टार क्रिसेंट मून हाफ मून एंड फुल मून डे, फुल मून डे को क्या बोलते हैं लर्न एंड देयर इज नो मून उसको क्या बोलेंगे अमावस्या। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।